नमस्कार, मैं सरिता पटवा, मैं आज फिर उपस्थित हुई हूँ एक पौराणिक कथा के साथ में। मैं आपको आज एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। एक बार क्या हुआ कि नंदी और भोलेनाथ मंदिर में बैठे हुए थे, तो नंदी ने भोलेनाथ को बैठे हुए देख करके बोला, भोलेनाथ आप बैठे बैठे थक गए हो, आप थोड़ा आराम कर लो, आप ना आज दिन भर बाहर घूमने जाओ, आप थोड़ा घूम फिर करके आओ, आज मैं मंदिर में बैठता हूँ। भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले, नंदी तुम हमारा काम नहीं संभाल सकते। तो जिद करने लगा नंदी ने, नहीं भोलेनाथ आप थक गए हो, आज आप घूम करके आओ। तो भोलेनाथ भी बोले, चलो ठीक है, जब ये जिद करता है तो मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ। तो भोलेनाथ नंदी से बोल करके गए कि ठीक है, मैं बाहर विहार करने जा रहा हूँ और कोई भी आए तो तुम कुछ बोलना मत। तो नंदी ने बोला, हाँ ठीक है भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। भोलेनाथ चले गए। नंदी बड़ा खुश हुआ कि भोलेनाथ चल गए, आज कारभार मैं संभालूंगा। तो नंदी मंदिर में बैठे बैठे आधी दिन निकल गए। नंदी सोचने लगा, आज तो कोई आया ही नहीं, क्या बात है। तभी एक सेठ वहाँ पे आया और आकर के जैसे ही भोलेनाथ को झुक करके प्रणाम किया तो उसकी बटुआ गिर गई। जब उसकी बटुआ गिर गई और उसने देखा नहीं, भोलेनाथ को प्रणाम किया और चला गया। नंदी जैसे बोलने वाला था, उसको याद आ गया कि भोलेनाथ ने मना किया था कि नहीं बोलना है, तो उसने नहीं बोला। कुछ देर के बाद एक व्यापारी आया और आकर के भोलेनाथ को हाथ जोड़ करके मंदिर में और ये कहने लगा, भगवान आज मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, आज मैं समुद्र उस पार जाऊंगा, मछली मारूंगा और कुछ व्यापार करके अपने बच्चे का पेट भरूंगा, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बोल करके उसने जैसे घूम के गया, तो घूम के जब जाने लगा तो उसकी नज़र बटुए पे पड़ी, तो बड़ा खुश हुआ और उसने बटुआ उठा लिया। और बटुए उठा करके जैसे मंदिर से बाहर जाने लगा, तब तक पुलिस आ गया। वो जो सेठ का बटुआ गिरा था ना, वो सेठ ने पुलिस लेकर के आ गई और सेठ ने उस व्यापारी को हाथ में बटुआ देख करके चोर 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 बोलने लगे, इसी ने मेरा बटुआ चोराया है। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको ले जाने लगा, तो नंदी से रहा नहीं गया। नंदी ने बोला, अरे रुको, ये चोर नहीं है। उसने सारी कथा उसे बता दी कि ये व्यापारी आया था और ये जब प्रणाम किया तो इसके बटुए गिर गए और ये चला गया था, बाद में इसने आया और बटुए देखा और ले लिया। तो व्यापारी को पुलिस ने छोड़ दिया और सेठ बटुआ लेकर चला गया। नंदी बड़ी खुश हुआ। जब भोलेनाथ शाम को आए तो पूछा कि हाँ नंदी बताओ, आज क्या क्या किया तूने। तो नंदी ने सारी बात बता दी। तो भोलेनाथ बोले कि तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। तो नंदी आश्चर्य से पूछा, भोलेनाथ मैंने तो इतना पुण्य का काम किया, उसे बचा दिया। कि नहीं, तुमको नहीं मालूम, अगर सेठ का बटुआ उसका पैसा चला जाता तो उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इतने धनिक था और जो व्यापारी था उसके बच्चे भूखे थे और आज समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाली है जिससे उसकी जान जाने वाली है, अगर पुलिस उसको पकड़ के ले जाती तो एक रात जेल में रखती तो शायद उसका जान बच जाता और तूफान भी रुक जाते, पर तूने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो नंदी रोने लगा और अपने किए की पश्चाताप करने लगा और नंदी ने भोलेनाथ का पैर पकड़ के माफ़ी मांगा कि मुझसे गलती हो गई भोलेनाथ, ये आपका कारभार आप ही संभाल सकते हैं। नंदी ने अपने भूल की माफ़ी मांगी। इसलिए बोलते हैं, जिसका जो कार्य होता है वो वही संभालता है, हर किसी बस की बात नहीं होती। तो आपको हमारा कथा कैसा लगा, सो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं विदा होती हूँ, धन्यवाद।